नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्शन ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आईपी टेक्सन स्कूल आपको प्रोवाइड करता है आज गूगल सीट के बारे में। हाँ, गूगल सीट पे हम शेयरिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी हाँ, शेयरिंग। तो जैसे कि आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल सीट को भी। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास एक डेटा है, इसी को मैं ओपन करता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होगा, और फिर यहाँ ओपन विथ में मैं इसको यूज ओपन करता हूँ गूगल सीट। अब यहाँ पे काम क्या है कि मैं इसी फाइल पे दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, तो शेयरिंग के लिए, क्योंकि एक्सेल पे तो शेयरिंग जो होता है वो लैन पे ही होता है इसको, लेकिन आप वैन पे कर सकते हैं। तो हमने इस फाइल को गूगल ड्राइव में रखा हुआ है और मैं इस फाइल को दूसरे किसी यूजर के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि हमने उनके साथ शेयर किया और उनकी ईमेल आईडी डाला, एक और ईमेल आईडी है iptbharat@gmail.com, मैंने उनके साथ शेयर कर। अब आईपीटी भारत के अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे अपने जीमेल को, तो यहाँ शेयर विथ मी में जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएगा वो फाइल। मैं इसको ओपन करता हूँ, क्लिक किया मैंने इसको ओपन विथ गूगल सीट, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब जैसे कि मान लीजिए मैं S3 के ऊपर जैसे ही 300 टाइप करूंगा, एंटर मारूंगा, आप देखेंगे हमारी दूसरी गूगल सीट पे 300 आ गया और यहाँ लिखा हुआ रहा है कि एडवांस सेक्शन आईपीटी भी सुजीत कुमार। ये कर्सर है कि कर्सर उनका यहाँ पर है और यहाँ दिख रहा है कि दो पर्सन के लिए यहाँ पे है, उनके साथ आप चैट भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस तरह से काम नहीं करो, या मैसेज आ गया, इस तरह से चैट के साथ भी वो काम कर सकते। तो गूगल सीट के बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि एक्सेल जो है पीसी ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं उसको शेयरिंग मोड में तो वहां पे दिक्कत करता है। तो शेयरिंग मोड में आप काम कर सकते हैं गूगल सीट पे। अब गूगल सीट पे आप अपने एक्सेल फॉर्मूले को ही, एक्सेल की जो फाइल है उसी ड्राइव में अपलोड कर दें और उस पर वर्क करें। जैसे आप एंट्री करेंगे आप उसे देखेंगे वहां पे एंट्री ऑटोमेटिकली आपका हो जाए। बस ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे एक्सेल सीट में क्या होता था कि वो टाइप करेगा, उसका सेव करेगा तो दूसरे को रिफ्लेक्ट होता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टाइप करके एंटर मारते ही दूसरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये भी आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड पार्टी कर्सर कहाँ पर रखे हुए, तो टाइपिंग वो यहाँ पे करेगा तो हम इस पे टाइपिंग नहीं करेंगे, और मान लीजिए इसके हम टाइपिंग कर भी देते हैं तो यहाँ देखिए दिख जाएगा। तो टाइप करने से पहले पता चल जाएगा कि यहाँ पे टाइप हो चुका है, कुछ हद तक डुप्लीकेसी भी रुक जाती है। तो ये था शेयरिंग करने का सिंपल तरीका है कि ओपन विथ करें, शेयर पे जाए। अब देखिए आप चाहते हैं कि उसे वो देखे, शेयर करते समय यहाँ पे ये आपका पेंसिल का निशान है, मतलब कि वो एडिट्स कर सकता है, लेकिन चाहते हैं सिर्फ देखें तो यहाँ पे व्यू कमेंट, वो सिर्फ कमेंट कर सकता है, जैसे गलत टाइप किया है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे गलत है, जैसे हमने कमेंट पे क्लिक कर दिया तो कमेंट कर सकते। इसको आप ट्राई कीजिएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे स्काइप कर सकते हैं। तो अगर आपको गूगल सीट सीखना हो, आपको एडवांस एक्सेल सीखना हो, अगर आपको सीखना हो पावर बीआई, वीबीएम प्रो, तो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस एंड वीडियो मोड दोनों है, पेन ड्राइव मोड भी है हमारे पास। तो डिटेल्स के लिए कॉल कीजिए या फिर मेरी वेबसाइट को लॉग इन कीजिए, और इसी तरह से मेरे साथ वीडियो में बने रहे।